गाइस मुझे वहाँ 11:30 बजे तक बुलाया गया और अभी देखो 2:15 हो रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं क्या करूँ यार। हे भगवान जी प्लीज़ बारिश 1 घंटे के लिए रोक दीजिए, प्लीज़ 1/2 घंटे के लिए ही रोक दीजिए। अच्छा देखो गाइस टग ऑफ वॉर का तैयारी हो रहा है। ये रही निकिता, निकिता कैसा लग रहा है तुमको? और यहाँ पे दूसरा इवेंट चल रहा है। हमारे कॉलेज में एक ही दिन 10 इवेंट पड़ जाता है, ऐसे कंपटीशन भी है। हाँ तो ये देखो टशन बाज स्टार्ट हो चुका है कॉलेज में और इसने पार्ट लिया, पर इसको पता नहीं है जाएगी कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक इवेंट में जा रहे हैं। इवेंट क्या, स्पोर्ट्स डे आज हमारा, टग ऑफ वॉर, और देखते हैं कि हमारे साथ आज क्या होता है। रही हमारी टीम, यहाँ सब अपनी अपनी टीमों के साथ तैयार। ये देखो गाइस इनका लग चुका है। यहाँ से लग रहा है ना, और आज है टीचर्स के बीच में गाइस टग ऑफ वॉर। चलो देखते हैं आज कौन जीतता है। क्या यार, मैम लोग अपने फॉर्म में आ रही हैं, चाहिए थी। और यहाँ पर देखो गाइस कैसे तैयारियाँ चल रही है। ये दर्शक हैं और ये देखो इधर भी, और ये सारे बच्चे सपोर्ट करने आ गए हैं। बच्चे दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। आज का मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैम फॉर्म में है,
फॉर्म में है गाइस, ये देखो एकदम आज देखो, ये देखो एकदम आज देखो क्या होता है, बहुत टक्कर की मैच होने वाली है। यहाँ डिस्कशन हो रहा है गाइस कि ये एक स्पोर्ट टीचर को नहीं खेलने देना चाहिए क्योंकि उनको एडवांटेज मिल रहा है। कुछ देर में यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पर न्याय की बात करी है, जस्टिस हुआ है, 14 के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, और मैम ने अच्छा डिसीजन लिया है और अब दूसरी मैम आ चुकी है। सर लोगों की गाइस, देखते हैं अब क्या होता है।